नरेंद्र मोदी बुनेई के दौरे पर हैं। कल उनके दौरे का पहला दिन रहा। उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात करने के अलावा बुनेई की एक मशहूर मस्जिद का दौरा किया। पीएम मोदी बुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवान पहुंचे। वहां पर उन्होंने उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। यह बुनेई का एक राष्ट्रीय स्थल चिन्ह भी है। यह देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसका नाम उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर रखा गया था, जो बुनेई के 28वें सुल्तान और वर्तमान सुल्तान हसनल बोलकिया के पिता थे। यह मस्जिद बुनेई में इस्लामी आस्था के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। आप आगे वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं। वहाँ खड़े लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनसे एक बार हाथ मिलाने के लिए बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी इंतजार कर रहे लोगों से बड़े ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन लोगों के बीच एक मुस्लिम महिला अपने हाथ में बच्चा लिए पीएम मोदी के स्वागत में खड़ी थी। पीएम मोदी जैसे ही उस महिला के पास पहुँचते हैं, उसके गोद में लिए बच्चे के सर पर बड़े ही प्यार और दुलार के साथ हाथ फेरते हैं। बिल्कुल शांत, सौम्य और बच्चे के प्रति प्रेम से भरा हुआ भाव पीएम मोदी के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां एक तरफ भारत में विपक्ष पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताता है, वहां विदेश में जाकर पीएम मोदी का मुस्लिम समुदाय के लोगों से बड़े ही प्रेम भाव के साथ मिलना विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। पीएम मोदी सारे धर्म का सम्मान करते हैं और सभी धर्म के लोगों से एक ही भाव से मिलते हैं। यह बात बुनेई के दौरे की तस्वीरों से साफ तौर पर झलकता है। आज की खबर के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहें TNN वर्ल्ड।